हेलो टॉबी, हैरी पॉटर ने टॉबी की बात क्यों नहीं मानी? हैरी पॉटर घर वापस क्यों नहीं गए जब ट्रेन छूट गई थी? तो तुम थे, तुमने मुझे और रॉन को वहां प्लेटफॉर्म तक जाने से रोका। बिल्कुल जी सर, तुम हम लोगों को स्कूल से निकलवा देते थे। कम से कम आप यहां से दूर रहते। हैरी पॉटर घर वापस जाओ। डॉबी ने सोचा है उसके पहलवान की वजह से हैरी पॉटर घर जाएंगे। पहलवान? तुमने उस पहलवान को मेरे पीछे दौड़वाया। डॉबी को बहुत पछतावा है सर। डॉबी ने अपने हाथों को सजा भी दी। मेरी हड्डियां बन जाए इससे पहले चले जाओ टॉपी, वरना मैं तुम मार दूंगा। मार डालने की धमकी डॉबी ने घर में बहुत सुनी है सर। दिन में 5 बार सुनता हूं। क्या ये बता सकते हो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो टॉबी? मारना नहीं चाहता हूँ सर, मारना नहीं चाहता। डॉबी को उसका वक्त याद है जब हैरी पॉटर ने उसको हराया जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। हम घरेलू जिनों के साथ कीड़ों जैसा बर्ताव होता था, अब भी तो डॉबी के साथ ऐसा बर्ताव होता है। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो टॉबी? ये सर, ये तो मेरी गुलामी का निशान है सर। टॉबी तभी आजाद होगा जब उसका मालिक उसे कपड़े देगा। सुनिए सुनिए, मैंने कहा था ना, भयानक घटनाएं घटने वाली हैं हॉगवर्ट्स में। हैरी पॉटर को यहाँ नहीं रहना चाहिए जब खासकर इतिहास दोहराने वाला हो। दोहराने वाला हो? तुम्हारा मतलब ये पहले भी हुआ है? मुझे ये नहीं कहना था। बुरा टॉपी, बुरा टॉपी। टॉपी शांत हो जाओ, टॉपी चुप। बताओ टॉपी, पहले कब हुआ था और अब कौन कर रहा है? टॉपी नहीं बता सकता सर। टॉपी बस ये चाहता है कि हैरी पॉटर सुरक्षित रहे। सुनो टॉपी, बताओ कौन है, बताओ।